प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो पर जो ये अब्दुल्ला मुफ्ती रशीद और गांधी नेहरू परिवार झूठे आरोप लगा रहा है, बेसिकली ये जम्मू कश्मीर के विकास के दुश्मन, ये जम्मू कश्मीर की तरक्की के दुश्मन है, ये जम्मू कश्मीर की शांति के दुश्मन है, क्योंकि तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में शांति और विकास तो विश्वास का वातावरण पैदा हुआ। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है रशीद प्रॉक्सी है बीजेपी का, ऐसा है कि जो लोग टेरर फंडिंग के कारण जेल में हो, ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं। तो क्या देख रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि जम्मू कश्मीर बीजेपी का न्यायालय ने चुनाव प्रचार के लिए बेल दी है, ये बेल है, छोड़ा नहीं है, केस है और सजा होके रहेगी। तो क्या है बीजेपी का आपको फ्यूचर जम्मू कश्मीर? निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। जनता अलगाववाद की सोच वाले लोगों से घृणा करती है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है, ये जिस तरह से कल बयानबाजी आ रही है, बीजेपी बिल्कुल कम्युनल बुनियादों पर यहाँ डिवाइड वोट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पष्ट सोच है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतना। आप देखिए हर घर में पीने का पानी का टैप लग रहा है, किसी से धर्म जाति पंथ नहीं पूछा। हर व्यक्ति को 7 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है, किसी से जाति धर्म पंथ नहीं पूछा। सबको आरक्षण का लाभ मिला है, गुज्जर भाइयों को आरक्षण का लाभ मिला है, पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिला है, एससी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिला है, एसटी स्टेटस मिला है, ओबीसी को ओबीसी स्टेटस मिला है। लेकिन जो लोग आज अब्दुल्ला और एनसी कह रहे हैं हम इनसे छीन लेंगे, अब गुज्जर का बेटा, पहाड़ी का बेटा, बकरवाल का बेटा क्या डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या इंजीनियर नहीं बन सकता? क्या उन्हें नौकरियों में रक्षा नहीं मिलना चाहिए था? ये जो इनके मंसूबे हैं ये जम्मू कश्मीर के जनता के विरोध के मंसूबे। तो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने विकास करके दिखाया। आप जाइए यहाँ से जोजिला टनल देखिए, रेलवे देखिए, रोड्स देखिए। अब मुंबई से सीधा दिल्ली से होते हुए श्रीनगर ट्रेन आने वाली है, आज श्रीनगर में ट्रेन चल रही है। आज दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बना, बड़ी बड़ी सुरंगें बनी। जम्मू कश्मीर जो 6-6 महीने कटा रहता था, आज जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी बनी, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आमदन बनी, जिससे इन लोगों ने, अलगाववादी सोच वालों ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बना दिया था, आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल। सर जानना चाहूंगा, इंजीनियर रशीद को इंटरिम बेल मिली है, कल वो कश्मीर भी पहुंचे, लोगों से उसने मुलाकात किया, तो कैसे देखते आप? भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म पर काम कर रही है। किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर की शांति को नजर नहीं लगने दी जाएगी। लगातार अब्दुल्ला मुफ्ती, गांधी नेहरू और अब इंजीनियर रशीद मिलकर जम्मू कश्मीर को अलगाववाद की सोच पर ले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता अलगाववाद की सोच करने वालों से घृणा करती है। इन चारों लोगों का एक ही झंडा है कि जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंकना, जम्मू कश्मीर में दोबारा पत्थरबाज पैदा करना, जम्मू कश्मीर में दोबारा 370 और 35 की जंजीरों में बांधना। जम्मू कश्मीर की जनता इनके मंसूबों को, इनके षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देगी, चाहे वो रशीद हो, चाहे मुफ्तीज हो, चाहे अब्दुल्ला हो और चाहे गांधी नेहरू परिवार, ये चारों मिलकर जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं। ये नकारे हुए लोग हैं। जनता विधानसभा चुनाव में इन्हें करारा जवाब देने वाली है। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला साहब से कि जम्मू कश्मीर जलता रहा, आप लंदन में छुट्टियां बिताते रहे, भाई भाई को आपने लड़ा दिया, सदियों से इकट्ठे रहने वाले भाइयों के बीच में दरार आपने पैदा की, रक्षक आप थे, आप रक्षक की बजाय भक्षक की भूमिका में आ गए, जम्मू कश्मीर के विकास को आपने नजर लगा दी। अब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के विकास का एक बड़ा एजेंडा लेकर आई है,
हर नागरिक को मेडिकल इंश्योरेंस 7 लाख रुपए का कवर मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की बहनों को अब बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अपाहज पेंशन 36,000 रुपया मिलने वाली है। 18,000 रुपया हर घर की बड़ी बहू को, 18,000। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर की जनता उनको अथाह प्रेम करती है। उनके मन में भी जम्मू कश्मीर के प्रति एक प्रेम है, एक विश्वास है। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, ये नया जम्मू कश्मीर। तो आपको फुल बीजेपी को फुल मैंडेट आएगा? जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दी, ये फुल मैंडेट आएगा। जम्मू कश्मीर की जनता जान रही है, देख रही है कि किस तरह विकास की नई गाथा लिखी गई है। वो जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद। तो अगर 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 बीजेपी को सपोर्ट मिला या अगर कोलिशन के हवाले से, तो किसके साथ आप सब किसको किसका सपोर्ट लेंगे? जम्मू कश्मीर की जनता नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास करती है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।